राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान सौंपने पर लंबे वक्त से कायम सस्पेंस अब खत्म हो गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी चाहती है कि राहुल गांधी जल्द से जल्द पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लें। CWC की बैठक में पार्टी के आला अधिकारियों ने एक मत होकर राहुल को इस साल के अंत तक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा है। कार्य समिति ने राहुल को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। CWC का ये कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अब तक राहुल को निजी तौर पर ही अध्यक्ष बनाने की मांग होती थी। आपको बता दें कि 1998 से कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास है। उनकी गैर मौजूदगी में हुई इस बैठक की पहली बार राहुल ने अध्यक्षता की। पार्टी ने बाद में कहा कि राहुल जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। पार्टी में कई लोगों का मानना है कि 2016 के आखिरी महीने राहुल को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का सबसे अच्छा वक्त है। इससे BJP कैंप के विरुद्ध विपक्षी दलों को भी एकजुट होने का मौका मिलेगा, जो अभी तक राहुल के साथ जुड़ने से कतरा रहे थे। इसी वजह से वर्किंग कमेटी चाहती है कि राहुल अब अपनी मां की छाया में वर्किंग प्रेसिडेंट की छवि से बाहर निकलकर खुलकर पार्टी की कमान संभाल लें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।